हाँ जी, लाओ बैट होएगा, नेट होएगा, टेट इस शर्त तो बाद। अज आप बढ़ रहे हैं बच्चे ईटीटी केडर 94 वाल। जगदेव एजुकेशनल हब पटियाला ते तुहाडा स्वागत है। उम्मीद करदा कि बच्चे तुसी ठीक होवोगे। तुहानूं पता बच्चे ईटीटी केडर 94 दी जिहड़ी एडवरटाइजमेंट आ काफ़ी टाइम पहला आ गई सी, पर उहदे ते अगे कोई एक्टिविटी किया नहीं हो रही सी। तां करके बच्चे चिंता दे विच सी वी पेपर होएगा तां कदों होएगा, कितने साढ़े ना ना तो 23-64 वाली हो जाएगी, कितने साढ़े ना तो नहीं 60-35 वागू असं कोर्ट के रह जाएंगे। तुहानू पता जिवें 23-64 पोस्टां आईयां वह कोर्ट के घेरे के फस गईयां, 60-35 आई वह भी कोर्ट के चली गई सी, पर बेचारी डिगदी डिगाउंदी की आ अगे लंघ गई। तो पर उहदे विचों भी कुछ बच्चे जिहड़े है हजे भी वह उड़ीक दे विच बैठे भी असी 60-35 दे विच लगांगे। हुण तुहाडी वारी आ बच्चे कित्थे लगन दी, ईटीटी केडर 94 विच लगन दी। जिवें कि उन्होंने अज उन्हां दी एडवरटेजमेंट जिहड़ी है दुबारे प्रॉपर जिहड़ी एक्सप्लेन करके की करती आ, रिलीज़ करती आ, कैटागराइज वाइज जिहड़ियां उन्होंने पोस्टां उन्हां दी भी वंड करती भी देखांगे। जनरल कैटागरी दे विच 1170 पोस्टां, SC MB दे विच 300 पोस्ट, SC RO दे विच 300 पोस्ट, BC दे विच 300 पोस्ट, इस तरह जिहड़ी सारी है वह 94 पोस्टां दी जिहड़ी वंड आ बच्चे हो चुकी आ, यानी कि करती भी इन्हीं पोस्टां इस कैटागरी दे विच ने। जिहड़ी इहदे लई उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की गल की है, यानी कि विद्यक योग्यता की गल की आ, उहदे विच उन्होंने मिनीमम क्वालिफिकेशन कहा भी किन्नी होनी चाहिए आ, प्लस टू विद 50% मार्क्स जनरल कैटागरी ते अदर कैटागरी दे लई जिहड़ा की उन्होंने की क्या 45%, वो तो बिना PS टैट जिहड़ा बन तुहाडा पेपर वो की होना चाहिदा, क्लीयर होना चाहिदा, क्योंकि इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के उपर भी रौला चल रहा सी भी कदे NCTE अपने जिहड़े रूल आ ना बच्चे वो की ना करदे, चेंज ना करदे। हालांकि उम्मीद है कि फ्यूचर दे विच वो NCTE जिहड़ियां अपनियां गाइडलाइनज आ वो चेंज करेगी भी इहदे लई जिहड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ वो ग्रैजुएशन हो जाएगी। अज प्लस टू है पर उस तो बाद की आ ग्रैजुएशन हो जाएगी। इस करके साढ़े को हुण पूरा पूरा मौका कादे विच लगन दा, 94 विच लगन दा। ए जिहड़ा तुहाडा मौका बचे वह कौन पूरे करांगे, असीं तुहाडे नाल रल के तुहाडा इस जिहड़ा एम है तुहाडा 94 विच लगन दा वह पूरा करांगे। अपना पंजवां बैच आ जिहड़ा बच्चे 26 अक्टूबर 2022 नूं की हो रहा, स्टार्ट हो रहा, यानी कि तुसी दिवाली दुवाली देखो, दिवाली देखने तो बाद आपां मिलांगे नवें बैच दे विच जिहड़ा 5th बैच स्टार्ट हो रहा 26 अक्टूबर 2022 नूं। हुण जदों भी बच्चे आपां किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे विच लगदे आ तां सानू उस इंस्टीट्यूट दे जो प्रीवियस रिजल्ट आ उन्हां बारे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहीदी आ, ते जो उन्हां दी फैकल्टी है उन्हां दी भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहीदी आ। कदे भी किसी इंस्टीट्यूट दे नाम ने नहीं पढ़ाना, ना उन्हां दे MD ने पढ़ाना, पढ़ाना किने आ बच्चे फैकल्टी ने है, पढ़ना तुसी आ, पढ़ाना फैकल्टी ने आ। ये गल याद रखियो बच्चे, पैसा बार बार आ जाता पर टाइम की आ बार बार नहीं आता, वो कहते ना एक बार लंघिया बेला बाद दे विच हाथ आउंदा नहीं, इस करके बच्चे एक बार जिहड़ा हुण बेला लंघ गया वह मुड़ के हाथ नहीं आना। इस करके जदों भी तुसी कोचिंग लैनी आ तां उस इंस्टीट्यूट दे विच लैनी आ, उस दी इंस्टीट्यूट दी फैकल्टी बारे सानू प्रॉपर की होनी चाहीदी आ, नॉलेज होनी चाहीदी आ भी जो फैकल्टी सानू पढ़ाएगी बाकी उन्हां दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सानू पढ़ाने दे योग है, उस बंदे दे विच प्रॉपर टीचिंग स्किल्स है, इन्हां चीज़ां नू ध्यान विच रख के तुसी की लैनी आ बच्चे कोचिंग लैनी आ। हुण तुसी देखोगे कई इंस्टीट्यूट की करदे ने, दिखांदे कुछ होर ने, हुंदा कुछ होर आ, रिजल्ट कोई होर दिखाते हैं बट एडमिशन किसी होर कोर्स के करते हैं, पर तुहानू पता बच्चे सच बलवान हुंदा, सच सामने आता, सच तुहानू शीशा दिखाता। इस करके कदे भी किसी इंस्टीट्यूट के जदों भी कितने लैना, जे तुसी हुण 94 लई कोचिंग लैनी है तो पहले देखना भी 60-35 उन्होंने किन्ने लगे ने, ना हो बच्चे रिजल्ट कुछ होर दिखाण तो कोचिंग किसी होर दी देन, ये चीज़ तो बच के तुसी की लैनी है कोचिंग लैनी आ। तो हुण तुसी देखोगे 60-35 दे विच अपनी 35 स्टूडेंट की हुई है सिलेक्शन हुई है, ये विद तुसी उन्हां दी फोटो देख सकते हो, कि ज्वाइनिंग लैटर दे।
दूसरी बच्चे सब तो मेन गल है इंस्टीट्यूट की फैकल्टी, जिस भी इंस्टीट्यूट के बीच तुसी पढ़ना बच्चे पढ़ाना इंस्टीट्यूट के लोगों ने नहीं पढ़ाना, इंस्टीट्यूट के MD ने नहीं पढ़ाना, किसने आ फैकल्टी ने आ। इस करके तहानू इंस्टीट्यूट की फैकल्टी बारे बच्चे प्रॉपर पता होना चाहिए। जे आप अपने इंस्टीट्यूट की गल करिए सब तो पहला जो एक मेन सबजैक्ट आता बच्चो है इंग्लिश। इंग्लिश तहानू कौन पढ़ाएंगे? सुरेश सर पढ़ाएंगे। सुरेश सर का इंग्लिश पढ़ाने का 31 साल का बच्चे की आ तजर्बा गा, सर 5 राज्यों के इस तो पहला पढ़ा चुके ने। तो जो तुम सर की गाइडेंस के इंग्लिश पढ़ोगे मैनू ये लगता भी इंग्लिश तुहानू पंजाबी नालों भी की लगेगी सौखी लगेगी। सैकेंड आपां सबजैक्ट की गल करिए बच्चे वो है साइंस। साइंस तुहानू कौन पढ़ाएंगे? दीपिका मैम पढ़ाएंगे। दीपिका मैम MSc कमिस्ट्री दे विच गोल्ड मैडलिस्ट थी। उस तो बिना मैम PhD स्कॉलर ने ते असिस्टेंट प्रोफेसर दे विच जो 1158 पोस्ट आईया सी कमिस्ट्री दे विच मैम दा किया 3rd रैंक आ। जो ये आपां तीसरे सब्जेक्ट की गल करिए वो है पंजाबी। पंजाबी बच्चे तुहानू कौन पढ़ाएंगे? हरविंदर सर। हरविंदर सर द असिस्टेंट प्रोफेसर दे विच बच्चे 4th रैंक आ 1158 दे विच। केड़े सब्जेक्ट दे विच? पंजाबी दे विच। उस तो बाद जे आपां 4th सब्जेक्ट गल करिए SST दे दो टीचर ने बच्चे अमरजीत सर जो यूनिवर्सिटी दे विच गेस्ट फैकल्टी दे तौर ते की करदे ने टीच करदे ने लॉ डिपार्टमेंट दे विच। दूसरे है संदीप मैम। संदीप मैम दे पटवारी दे विचों 93 मार्क्स सी बट मैम ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैम का मेन टारगेट है बच्चे UPSC क्लीयर करना। तो उस तो बाद 5th सब्जेक्ट साडा आंदा हिंदी। हिंदी दे ने बच्चे प्यारा सर सर हिंदी दे ने प्यारा सर प्यारा सर PhD ने हिंदी दे विच 5 times नैट JRF ने वो तुहानू की पढ़ाएंगे? हिंदी पढ़ाएंगे। उस तो बाद जरा 6th यानी कि लास्ट सब्जेक्ट बचता जरा सौखा जहा सब्जेक्ट वह है मैथ। मैथ सानू पढ़ाएंगे बच्चे जगदेव सर जो MSc स्टैटिक्स MA इकनोमिक्स MEd MPhil PhD परस्यूइंग ने ते असिस्टेंट प्रोफेसर दे विच उन्हां दा 3rd रैंक आ। असिस्टेंट प्रोफेसर दे विच उन्हां दा 3rd रैंक आ। ਇਹ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਵਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ? 200 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 1 ਕੁਐਸਚਨ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਹੋਰ ਬਚਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਡਿਊਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? 99 ਬਾਰੇ। ਜਗਦੇਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਹਟਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।